evening. I hope all are calm. Let's start. आज हम एक नॉर्मल करेंगे जो बोलते हैं कि हमें एक नॉर्मल बेसिक, लेकिन आज एक चेंज ये होगा. आई एम ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल. यस मैम. ओके, आज चेंज क्या होगा? आज जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एज अ सेट करेंगे. बेसिकली जब भी हम आसन या कोई सीक्वेंस करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो वो हमें कितने रिपीट और किस तरीके से करने चाहिए. अभी तक क्या है, आप लोगों ने मुझसे थोड़ा समझा है हाउ टू स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, लेट डाउन आसन. अब उसको हम सेट के साथ करेंगे. स्टैंडिंग आसन है, हम तीन करेंगे और तीन को तीन बार रिपीट करेंगे. ओके, अभी हम करेंगे तो सबके समझ में भी आ जाएगा. मैम आपका कैमरा नहीं आ रहा. नहीं आ रहा? वेट वेट, आई विल चेक. बट इधर तो ऑन है. हेलो, ये ऑफ किया मैंने एंड मैंने ये ऑन किया. अभी ठीक है? यस मैम. यस. Let's start. First, सबसे पहले स्ट्रेच. ओके, इनहेल एंड एक्सहेल. ये हम करेंगे 10 टाइम्स. 1 एंड 2. पूरा प्रॉपर इनहेल और एक्सहेल के साथ. इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्लोली कम डाउन. Again, inhale and exhale. Repeat. Inhale and exhale. Down. 5 more. Do it with me. Sab karenge saath saath. The best stretch, Tadasan. Jitni der tak hold kar sake hold kijiye and slowly slowly pure balance ke sath come down. 2 more and exhale and down. Inhale and exhale and down. Relax. Now come to the second. दोनों पैरों में थोड़ा सा difference देखते हैं. हाथ सामने. Inhale and exhale. पूरा का पूरा twist करेंगे. ये हाथ इधर सामने आ जाना चाहिए. एकदम straight हो जानी चाहिए body. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Come back. Inhale and exhale. One more. Back. And back. And relax. Ekdam loose chhod dena. Theek hai? Now come to this third exercise. हम बेंड करेंगे. अगेन दोनों हाथ ऊपर, क्रॉस द फिंगर्स. जितना हम अपने आप को स्ट्रेट करते हैं. स्ट्रेट कैसे करते हैं? रिस्ट को टाइट कीजिए, अपने रिस्ट को टाइट कीजिए और नीचे पैरों को और एंकल को टाइट कीजिए. नीज को स्टिफ कीजिए, हिप्स बोन को भी. एब्डोमेन थोड़ा सा अंदर की तरफ. बॉडी एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाती है. इनहेल एंड एक्सहेल. कान के पास अगर बाजू को बिल्कुल हटने मत दीजिए तो आपका शेप अब बिल्कुल सही बनेगा. एंड बैक. एंड
इनहेल एंड एक्सहेल स्टे एंड बैक इनहेल एंड एक्सहेल back inhale and exhale and back and put your hands down and relax now thoda sa shoulder ke liye dono haath seedhe pairo ko thoda sa open kar lijiye isko tight rakhiyega jo wrist hai apna isko ekdam tight and firm okay yahan तरीके से एकदम टाइट एंड फॉर्म नाउ मेक वन टू एल्बो बिल्कुल टाइट थ्री फोर फाइव रिवर्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके नाउ हाथ आगे की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव नाउ बैक साइड हाथ को पीछे की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव पुट योर हैंड हियर मूव योर शोल्डर अच्छे से एंड नाउ रिवर्स टू वन नाउ इजी योर सेल्फ इजी अब हम सेट करेंगे ठीक है हम उल्टा लेके तीन सेट करेंगे और तीन बार करेंगे फर्स्ट तो हम कोबरा पोज ही करेंगे कम डाउन कम फॉरवर्ड नीज को नीचे रखा एंड डाउन पूरा बैलेंस करते हुए स्ट्रेट पैर को बिल्कुल उल्टा और खींचिए जितना आप खींच सकते हैं अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेट कर सकते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं और एकदम सामने देखना है ध्यान रखिएगा सामने देखना है बिकॉज नेक और ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी नाउ इनहेल एंड एक्सहेल इनहेल एंड बैक ठीक है ये हमें 10 टाइम्स करना है तो ध्यान रखिएगा इनहेल और एक्सहेल का सबसे पहले इनहेल ही करना है और सांस छोड़ते हुए अपने आर्म्स को स्ट्रेट कीजिए एंड रेज योर चिन अप And down, inhale, and exhale, come down, inhale, and exhale, and come back. And exhale. Three more. Two. One by one, leg up. One, two, three. Straight, एकदम leg straight रहनी चाहिए. Four, five, six, seven, eight, nine, and ten. हाथों को पीछे and stretch. पैर नहीं उठाना इसमें ये बात ध्यान रखिएगा एंड कम डाउन फिर अब दोनों पैर ऊपर कीजिए एंड डाउन
again come back and stretch. Yes, repeat this. Dono pair upar. And down. And stretch. Position. Ajayenge in this position. Inhale and exhale. Apna se dono haath ke baju ke beech mein lete hain. Inhale and exhale. बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने बॉडी के जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, उनका ओपन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है हमारे इस जॉइंट की आती है, इसकी वजह से हमारे पूरे लेग में रहती है प्रॉब्लम। तो इसको फ्री करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने साइकिल भी करती थी, वो एक लेग को स्टैमिना देने की थी, बट ये भी आप कर सकते हैं। मेक अ बिग सर्कल, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Make a big circle, जमीन को टच करते हुए, और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टमक इन के लिए भी अच्छा है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। जैसे कि हम बैठ के बटरफ्लाई पोज करते हैं या हम पद्मासन बनाना चाहते हैं, तो भाई लेग को और फ्लेक्सिबल करता है। रिवर्स, अब इसी को एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए। 10 Same with other leg. 1, 2. अभी 10 times, 20 तक, 50 तक आप कर सकते हैं। Now reverse. Two and one. Relax. Body को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. Now bend your knees. स्टमक खुली जाए जितना आप कस के दबा सकते हैं। आंखों को बंद करें, आराम से सांस लीजिए और छोड़िए। एंड कम डाउन, वन लेग अप एंड वन लेग इज लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है? वन टू, जिसका ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल का, शोल्डर का, वो उठे ना, वो सिर्फ इस तरीके से करे। वन two, three,
फोर, इसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, प्रेस इट, ओके। नाउ स्ट्रेच हाथ और पैर को, पूरा स्ट्रेच कीजिए, सिर्फ पैर और हाथ को। जैसे आप हाथ और पैर को स्ट्रेच करेंगे, आपका ये कमर ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उसको कर्व दीजिए, प्रॉपर कर्व, इस बीच में स्पेस आएगा, स्ट्रेच लाइक दैट, कि आपकी पीठ को, स्पाइन को बिल्कुल रिवर्स आर्क बनेगा। आप जब रिलैक्स करेंगे, पूरी की पूरी स्पाइन जमीन पे लगाइए, आपका ये पेट पूरा का पूरा अंदर जाएगा। जमीन पे लगाया, अगेन रिपीट दिस एंड कम बैक, अगेन एंड बैक। अब हमें बैठना है, कैसे बैठेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग
इस तरफ किया एंड सिट लाइक दिस, इस तरीके से हम बैठ स्टार्ट हम प्राणायाम का थोड़ा स्टार्ट करें. बहुत दिन से हमारा कुछ यही एंड वो सब नहीं हुआ है. मैं इधर आ जाती हूँ. हम एकदम सीधा मुद्रा बहुत जरूरी है, गेस्चर बहुत जरूरी है. हमारी एनर्जी को हम इससे रीयूज करते हैं. इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ये रिलीज नहीं होती बल्कि हम उसको अपने वापस लेके उसको फिर से रीयूज करते हैं. क्लोज द सर्किट बोलते हैं. अपना सर्किट हम कंप्लीट करते हैं. मुद्रा बनाएंगे, नीज के ऊपर रखेंगे, ये रॉन्ग है. इस तरीके सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल टू टाइम्स ओनली. फाइव काउंट इनहेल एंड फाइव काउंट एक्सहेल. राइट, इनहेल एक्सहेल वन, एक बार और इनहेल एंड एक्सहेल. दिस इज टू. अब क्या करना है, इनहेल आपको फाइव काउंट करना है. रिटेन मतलब सांस लेने के बाद सांस को हम रोकेंगे पांच काउंट. उसके बाद हम फिर एक्सहेल करेंगे पांच और फिर हम अपनी सांस को रोकेंगे फाइव. दोनों टाइम लेने के बाद भी रोकेंगे और सांस को छोड़ने के बाद भी रोकेंगे. और ये क्रम चलेगा अबाउट थ्री राउंड्स करेंगे. ठीक है, हाउ मेनी राउंड्स? थ्री राउंड्स. एक राउंड अभी आप सिर्फ समझिए और थ्री राउंड्स फिर मेरे साथ कीजिए. और जिसको समझ में आ गया है कर ले. देखिए मैंने इनहेल किया, वन टू थ्री फोर फाइव. अब मैंने रिटेन सांस को रोक लिया, वन टू थ्री फोर फाइव. नाउ मैंने एक्सहेल किया, वन टू थ्री फोर फाइव एंड अगेन आई रिटेन. सांस को रोकूंगी पांच काउंट तक, वन टू थ्री अगेन इनहेल. इस तरीके से चलिए करते हैं, मैं भी करूंगी और आप भी करते हैं. ठीक है, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड normal breathing and breathe out and feel yourself. ये हमने किया five 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 five. Now come to the seven. हमारा number हो जाएगा अब seven. Seven inhale, seven hold. क्योंकि पहले मैं five ही hold कराती थी लेकिन अब मुझे लगता है आपको seven count तक hold कर सकते. Seven exhale, seven. Fine. So start. Inhale. One, two, three, four, five, six, seven. Retain.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retain. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Three rounds lenge. Chal, start. Just feel yourself. और अपने आप को समझ कि हमारे अंदर क्या चेंज है. धीरे ध्यान. इस तरीके से हम धीरे धीरे आपके पास जितना टाइम हो जैसा टाइम हो आप अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं. And check with the 9 and then 11. Maximum 15 तक हम कर सकते हैं. And जो बहुत expert होते हैं, they are going to be 20. उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने भी नहीं बोला जब हमने training ली थी. तो as usual मैं भी आपको बोल रही हूँ, बट इतना ही काफ़ी. जो हमें benefit चाहिए basically, वो हमें इसी में ही मिल जाए. Because it gives complete time to lungs to observe the oxygen and give carbon dioxide to the blood. एक फंक्शन को करने के लिए लंग्स को एक कंप्लीट टाइम मिलता है. दूसरा, हम ब्रीथ से कनेक्ट होते हैं. तीसरा, ब्रीथ से कनेक्ट होने की वजह से हमारी माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है हमें एक थर्ड स्टेप के लिए जाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए तब तक, क्योंकि वहीं पर ही हमें सब कुछ मिलना है. जैसे बोला ना, आरोग्य हमें तभी मिलना है. तो इस तरीके से पीस माइंड के साथ, पीस हार्ट के साथ हमें ये करना चाहिए. और हमारे अंदर जो पीस है ना, जो कि छुप गई है, कहीं खो गई है, उसको एक्टिवेट करना है. उसको भी हमें जगाना पड़ता है, वो भी सो जाती है. ओके, उसको भी हमें जगाना है. तो आप जिस चीज को फील करेंगे, आप कोई सैड, कोई दुख वाली बात है उसको फील करते हैं, तो वही सब होता है. आप रोने लगते हैं, आंसू आते हैं. कोई हंसने वाली बात है तो हम हंसने लगते हैं, वो चीज हमारी बढ़ जाती है. सेम आपके अंदर पीस भी तो है, सेम उसको फील करिए तो फीस क्यों नहीं आएगी. फीस के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट फील, और ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है. धीरे धीरे इसके काउंट बढ़ाते हैं. कम टू द उच्चाई प्राणायाम, बहुत जरूरी है फॉर द आज के टाइम के लिए. अपने थॉट को सेव करना, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, चाहे हम कुछ खा के अंदर जाए, चाहे थ्रू नोज, हमारे टॉन्सिल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं. तो टॉन्सिल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. एंड मैं देख रही हूँ लॉकडाउन ओपन होते जा रहे हैं एंड लोग योगा कम, आई होप कि वो सब करते हो, आई होप कि वो सब करते हो. और सेकंड, अभी ऐसा नहीं कि हम पूरे सेफ हैं. सभी न्यूज पढ़ रहे हैं, अभी भी वही सब है. तो प्लीज अपने आप को विद द ब्रीथिंग टेक्निक और स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को, ये आपको टाइम मिला है और स्ट्रांग होने का, ये समझिए. ठीक है,
और स्ट्रॉन्ग 1 घंटा हमें मॉर्निंग, 1 घंटा इवनिंग, जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक की तरफ है, जिनके पास बहुत मल्टी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, उनको तो 2 टाइम योगा करना ही चाहिए, इन एंड एनी हाउ करना ही चाहिए, क्योंकि अभी सब देख चुके हैं क्या हुआ, कोई नहीं जाना चाहता उस दुनिया में वापस, तो उस दुनिया को बिल्कुल अलग रखने के लिए आपको ये करना ही है। तो टॉन्सिल्स को स्ट्रॉन्ग रखना हमें बहुत जरूरी है। उच्चैई आवाज के साथ हम सांस लेंगे ऐसे, चिन और चेस्ट को टच करेंगे लाइक दिस, जितनी देर तक आप होल्ड कर सके। नाउ राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल, अब धीरे धीरे सांस खींचो, इस तरीके से करना, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे तो सांस हमारे लेफ्ट से बाहर, ओके। राइट हैंड एक बार और, राइट हैंड ने अभी 2 प्राणायाम कर लिए, भस्त्रिका और उच्चैई प्राणायाम। हमारे पैर बहुत देर से ऐसे हैं, अब हम अपने पैरों को स्ट्रेंथन के लिए थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करिए। सबसे पहले दंडासन में बैठना सीखिए, 90 डिग्री बहुत जरूरी है। उसके लिए दोनों हाथ इसके साइड पे, आपको थोड़ा सा ऊपर उठाया और छोड़ा, जैसे आप छोड़ेंगे आप देखेंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री में बैठ गए। दोनों हाथ नीज के ऊपर रखिए, आंखों को बंद करिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। यस, वैसे मैं स्टार्ट यहां से कराती हूँ, लेकिन आज मैं स्टार्ट यहां से कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैर को फोल्ड करेंगे, जो यहाँ रख सकते हैं कंफर्टेबली यहाँ रखिए, नहीं तो आप नीचे रखिए, जो आपको ठीक आपके कंफर्टेबल। एंड नाउ शेक जितना आप कर सके, ये करना ही करना है, ये रोज करना है, हर एक को करना है जो सारा दिन चेयर में बैठ के काम करते हैं, टीचिंग जॉब में है, या फिर जो ऑफिस में है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, या फिर हाउस वाइफ है, जो भी है, क्योंकि इस ज्वाइंट को हमारा रिलैक्स, ये जो ज्वाइंट है इसका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, इसका फ्री होना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से ही सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, ओके। नाउ इसको ऐसे पकड़िए और इसको इस तरीके से, ये मैंने ऐसे पकड़ा है और ये पैर को, अब कोशिश क्या करेंगे हम नीज को, ये जो हमारा बोन है इसको हम एक सर्कल में घुमाएंगे, वन, जो काम हमने अभी लेट के किया था अब वो सेम हम बैठ के भी कर, आज ये सर्कल आपको देना है अच्छे से, 10। नाउ अब इसी को ही रिवर्स, 10, 9, 8, 7, बैक ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से मत करिएगा, very wrong, back go straight and make the circle, धीरे धीरे posture बहुत अच्छा होता जाएगा आपका, this, इसको press करके नीचे, या फिर ऐसे press करके नीचे लगाने की कोशिश करते, अब इसको उठा के chest, down, पूरा ध्यान इस stretch पे, complete ध्यान, and up, अब इसको आपने उठाना है इस तरीके से, ये उठाया एंड मूव इट
लाइक दिस, पूरा स्विंग करना है, जैसे एक बेबी को हम गोद में उठा के इस तरीके से बच्चे को उठाते हैं ना, सेम बच्चे की तरह इसको उठाना है। ये बेबी है अच्छे से सोया हुआ है, जगाना है, वैसे तो बच्चे को वैसे सुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा काम है। एंड किस योर नीड्स, ये इसको इसलिए कि एकदम आप कितना भी इसको कम एकदम प्रेस कर सके अपने चेस्ट। एंड नाउ होल्ड इट डाउन, फिर से वापस दंडासन में बैठिए, आंखों को बंद करिए, दोनों पैरों में फर्क महसूस करिए है कि नहीं है। इस दिन आने के बाद डेफिनेट फर्क लगता है, तो इसको अब ठीक करते हैं, इसको एज यूजुअल ऐसे या फिर ऐसे इस तरीके से भी रख के आप दोनों हाथ नीचे डाउन, आप या इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो गिव द फ्लेक्सिबिलिटी, पहले थोड़ा सा इसको वार्म अप करिए, कुछ भी करने से पहले हल्का वार्म अप करते हैं, वार्म अप करिए, इतना टाइम इस वर्कआउट को दे रही हूँ बिकॉज यही आपको ठीक करेगा, जो आप चाह रहे हैं आपकी क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स यही ठीक करेगा, क्योंकि एक एक जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पे ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, एयर ट्रैप्स शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुकना शुरू हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। अगर हम इसको ओपन करेंगे ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेस भी जाएगा, हम उल्टा काम कर रहे हैं, स्ट्रेस तुमने इसे ब्लॉक किया, अब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तुम भी जाओ, तो आप स्ट्रेस फ्री होंगे सबसे पहले, उससे आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ेगा। दोनों प्रेस प्रेस एंड आप प्रेस आप प्रेस आप सेम इसको पकड़ेंगे एंड इसका पूरा का पूरा सर्कल, वन टू थ्री, ये जो आपकी बोन है उसको आपको बिल्कुल सर्कुलर घुमाना है और बैलेंस बैठने के साथ साथ, यू फील ऑल द स्ट्रेचेस, इट्स नॉट इजी, इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता ये, और बच्चों को भी इसमें करने में थोड़ी मेहनत लगती है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चों को लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक को, एट स्टैंडर्ड तक को योगा कराती हूँ एंड आई सी द फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक्सरसाइज उनको भी बहुत जरूरी है। वो बच्चे आप हैरान होंगे, शॉक्ड होंगे, ऐसे बैठ ही नहीं पाते, ये और ये इनका कर्व ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से आर्क बना हुआ है, और अगर मैं इनको आगे करती हूँ यूं तो पैर उठ जाता है उनका, पैर सीधा करवाती हूँ तो ये हो जाते हैं, और कुछ बच्चों का ये पैर ऐसे नहीं रहता, इसमें उनको प्रॉब्लम आती है, और मैक्सिमम बच्चों को आई रियली फील सो हर्ट कि ऐसा क्यों है, उन्होंने कभी स्ट्रेट नहीं हुए, स्ट्रेट बैठे नहीं, क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन लेके आए, बिल्कुल बस खाना पीना दौड़ना पड़ना, खाना पीना दौड़ना पड़ना, स्ट्रेच बहुत जरूरी होते हैं, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होते हैं। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, आपने स्विमिंग करें, चाहे आप स्पोर्ट्स में आप लोगों ने कोई रहा होगा, वो देखते हैं स्ट्रेचेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है रादर देन प्ले, खेलने से ज्यादा स्ट्रेचेस, वही एक अच्छा कोच कहलाता है जो स्ट्रेच ज्यादा देता है, स्ट्रेच। अब एक स्ट्रेच हम देंगे, अभी हमने इसको दिया एक सर्कल, आगे और पीछे, ये है मेरी बॉडी, आगे और पीछे, दिस वन बहुत जरूरी है, अब ये सही तरीके से कैसे हो, स्ट्रेट बैठे हैं हम अभी, ठीक है। बेसिकली आपने वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देखा होगा, लेटे तो रस्सी लेते हैं और रस्सी से कोशिश करते हैं, उनका इलास्टिक होता है वो, इस तरीके से आने की और जाने की। सपोज हम नहीं करते ये सब यूज, हम ऐसे ही करते हैं, बहुत प्रॉप्स हमेशा नहीं हो, हम बिना प्रॉप्स के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हाथों को याद रखिए, बॉडी को स्ट्रेट और अपने हाथों को चलाइए, जैसे हम चलाते हैं ना, वन टू थ्री, एक टाइम पे आके आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। मैंने बॉडी को आगे नहीं किया, मेरे हाथ आर्म्स स्ट्रेट हो गए, जब स्ट्रेट होने के बाद देन कम फॉरवर्ड
बेंड करिए अपने आप को, बेंड एंड बैक, बेंड इस तरीके से। इससे क्या होगा, अगर हम हाथ और आगे ले जाएंगे तो हम कुछ गलत तरीके से बेंड कर सकते हैं, जो हमें प्रॉब्लम, हमें गलत तरीके से बेंड ही नहीं करना। ओके, इस तरीके से हम आए, ये लास्ट पॉइंट, एंड कम फॉरवर्ड, स्ट्रेच, वन टू थ्री फोर फाइव एंड स्ट्रेच स्ट्रेच। ठीक है, अब फाइव काउंट तक करेंगे और उसके बाद हम पैरों को पकड़ेंगे। पैरों के क्या पकड़ेंगे, थम्स, दोनों थम्स को हम पकड़ेंगे अपनी फिंगर से। किस तरीके से, अगर आपने देखना पहले मुझे देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव कम डाउन हेड, ये मैंने पकड़ा, एंड नाउ मैंने अपने पैर को स्ट्रेच किया, अपनी बॉडी को आगे किया। नाउ आई एम इन राइट पोजिशन, कहीं कोई गलती नहीं है। ये करने के बाद इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल जर्क नहीं आएगा, और एक जो हमें सही तरीके से करना चाहिए वो होगा। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ करिए, मैं करेक्शंस में ज्यादा देती हूँ, प्राणायाम कम होता है हमारा। कोई बात नहीं, ये चीजें जरूरी है एक्चुअली। प्राणायाम तो आप कभी भी एक सेकंड टाइम मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन ये चीजें मैं ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये मैं बहुत गलतियां देखती हूँ बहुतों में। ये मेरा हाथ यहाँ तक गया, इससे आगे मैं ले जाऊंगी तो मुझे आगे आना पड़ेगा, मैं इससे आगे नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, अब मैं बेंड होंगी लाइक दिस, बेंड एंड अप, बेंड, अपने आप को थोड़ा सा सेट करेंगे विद लाइक दिस, नाउ अप, थम्स को पकड़ लीजिए, आपको ये कंफर्टेबल लगता है ये, आपको ये कंफर्टेबल लगता है ये, अपने पैरों को देखिए आप आगे आगे, एंड नाउ एंड हाथ नीचे रखा और फिर स्ट्रेट। दिस इज द वे, होता क्या है बेसिकली, इसको पकड़ने के चक्कर में हम ऐसे झुक जाते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देता है, यहाँ का काम ही नहीं है। काम हमारा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम है, ये काम हो रहा है हमारा। ठीक है, ये मसल्स के लिए हो रहा है, ये यहाँ के स्ट्रेचिंग के लिए हो रहा है, तो इसका कोई काम ही नहीं। ओके, एक बार और करेंगे, अब आप करेंगे, मतलब मैं देख नहीं सकती वरना मैं एक बार करेक्शन देती। चलिए टेबल फॉर्म करते हैं, ऑपोजिट थोड़ा सा होते हैं, अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे इस आर्म्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरीके से हाथ को ले जाते हुए पीछे ले जाएं, जहां तक आपका हाथ जा, मेरा हाथ इससे पीछे नहीं जा रहा, आई हैव अ प्रॉब्लम, नहीं जा रहा, मैं यहीं पर ही रुक गई। ठीक है, यहीं पर ही रुकिए, दोनों पहले आप देख लो, दोनों फिंगर्स को स्ट्रेट किया, अब मुझे अपने पूरे पैर को जमीन पे लगाना है लाइक दिस, and now come back, the maximum stretching of the body, सबसे ज्यादा body कब खींचती इसमें, आप एक बार फिर से देखना, अभी मत करना, हम normal बैठे हैं दंडासन में, दंडासन में बैठिए, बैठ के normal एकदम। ठीक है, हाथ knees के बगल से मैं पीछे लेके जा रही हूँ, side 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 side, यहां से पीछे मैं नहीं जा पा रही, अगर जाना होगा तो मुझे लेट के जाना पड़ेगा, ऐसे मुझे लेटना ही नहीं है, मुझे मेरी बॉडी ऐसी रहे। ठीक है, दिस इज द राइट, इसको मजबूत करिए, हाथों को अपने शीट योगा मैट पे अच्छे से पूरी फिंगर्स को खोल के मजबूत करिए, क्योंकि ये आपको उठना है, ये मैंने मजबूत कर लिया। अब पैरों को, अब मुझे पूरा का पूरा जो मेरा तलवा है, फुट है पैर का पूरा मैट पे जा टच होना चाहिए, कंप्लीट। एंड डाउन, हाँ
स्ट्रेचिंग, थोड़े थोड़े आगे एडवांस स्ट्रेचिंग में हमें आना ही पड़ेगा। अभी आप हाथ को फील करिए, अपने हैंड्स को फील करिए, वर्क कहाँ हुआ है इसमें? बहुत ज्यादा काम हुआ है, आपके नीज पे वर्क हुआ है, आपके टो और इस पे वर्क हुआ है, इतना अच्छा स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, चलिए कम अब प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले ऑलवेज सबसे पहले अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में लेके सबसे वहां पे सेट करने की कोशिश कीजिए, और जब सेट हो जाए देन स्टार्ट। अब आपको कपालभाति हम आज करते हैं अभी अलोम विलोम, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी एंडिंग, अभी हील भी बढ़ाएंगे कूल डाउन के लिए। अलोम विलोम, इनहेल एंड एक्सहेल। ये गलत है, ये गलत है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, वेरी 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 रॉन्ग। इससे अच्छा आप सहारा ले लो बेड का, लेकिन हाथ आपके ऐसे रहने चाहिए। और नीचे मैंने बोला है स्टूल रखो चाहे कुछ भी रखो, हाथ पीछे की तरफ और नाक के ऊपर आपका फिंगर्स होनी चाहिए, नोज के नीचे नहीं। जो छोड़ रहे हो वही ले रहे हो, मिलेगा क्या फर्क। आंखों को बंद हमेशा, नॉन स्टॉप सभी करेंगे। आंखों को बंद करना बहुत जरूरी है, दोनों आईब्रो के बीच क्या चलता उसमें ध्यान बहुत जरूरी। उसके बाद आपका ध्यान श्वास, कितने टाइम तक ले रहे हैं और कितने टाइम तक छोड़ रहे हैं, उन दोनों का इक्वल काउंट होना बहुत जरूरी। सांस बहुत सहज तरीके से लेनी है, ना ज्यादा गहरी ना कम, एकदम नॉर्मल, जिससे कि आपकी बॉडी मूव ना करे। कई लोग आप रस्तिका नहीं कर रहे, आप अलोम विलोम कर रहे हैं, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ये लंग्स के लिए नहीं है। इस टाइम आप बॉडी के कुछ और चीजों के लिए कर रहे हैं, तो डोंट डू लाइक, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आवाज आनी नहीं चाहिए। ब्रीथ की आवाज जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं वो आनी ही नहीं चाहिए, इतना नॉर्मल आप सांस लें। अगर एक हाथ थक जाता है दूसरे हाथ से करिए, बट डोंट स्टॉप।
से श्वास लीजिए और छोड़। Feel the change in yourself. बहुत जरूरी है एक प्राणायाम के बाद उस चीज को फील कर, ये पूरा का पूरा कॉपी करता है हमारे ब्रेन में। हाँ, this work is done and these are the changes in our body. Now, दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखेंगे भ्रामरी के लिए। आईब्रो के ऊपर ये फिंगर्स, थ्री फिंगर्स पलकों के ऊपर, थंब से अपने कानों को बंद करें। श्वास लेंगे, इनहेल और मुंह बंद करके ओम बोलेंगे। बंद रहने देंगे, दोनों हाथ नीचे, 5 times ओम बोलेंगे, चैंटिंग करेंगे ओम के, सेम उसी तरीके से इनहेल अपने आप को साक्षी मान के अपने प्राणों को आते और जाते देखिए। श्वास कैसे अंदर जा रही है और अपने आप बाहर छोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे इनहेल और एक्सहेल, अपने आप आने दीजिए और जाने दीजिए। नहीं आना चाहती मत लीजिए श्वास, होल्ड पे रख और ऑब्जर्व कर। अच्छे से पांच गरम होने तक सारी हीट एनर्जी अपनी दोनों आंखों को दीजिए। ट्रांसफर हो रहा, ट्रांसफर होता जाएगा, हाथ आपका ठंडा हो और वो एनर्जी आपकी आंखों को दीजिए। आंखों को हाथों के अंदर ही खोलिए and then remove your hands like this and thank you so much, kal pe milte hain।